भैया ये बताइए, इस मकाम पे हम लोग आए हैं, ये श्रीरंगापटना की इंतहा है, गोया कहा जाए आगाज भी है, और दरियाए कावेरी यहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर पीछे कृष्णा राजा सागर डैम में रोकी जाती है, फिर वहां से डैम से पानी छोड़ा जाता है और नदी जो है एक होकर करके यहाँ पे आकर के जुदा हो जाती है, दो हिस्सों में हो जाती है और जाकर के टीपू सुल्तान के मजार के पीछे 1 किलोमीटर पीछे संगम के मकाम पर फिर जाकर के मिल जाती है। इस एतबार से ये एक जजीरे के नाम से जाना जाता है और इसकी अपनी एक बड़ी अहमियत है, और उस अहमियत में सबसे अहम बात यह है कि पानी की फरावानी के सबब यहाँ पे हरियाली बहुत है। यही वजह है कि बाद में जब कर्नाटक का वरूद हुआ और वजूद हुआ तो ये जिला जब बना तो मंडिया जिला के नाम से एक अलग जिला बन गया और मंडिया जिला के अंदर श्रीरंगापटना को शामिल कर दिया गया। और यहाँ पर इस जिला के अंदर 4 शुगर फैक्ट्रीज हैं, इसलिए यहाँ पर शक्कर के और शुगर केन यानी गन्ने की खेती बहुत होती है। इसके अलावा रागी है, धान है, ये खेती काफी यहाँ पर पाई जाती है। यही वो जगह है, यही वो मकाम है जहां पर आखिरी लड़ाई का आगाज हुआ। मुअर्रखीन बताते हैं कि नदी के उस पार हिस्से में घना बाग था जहां पर ये बिल्डिंग दिख रही है, चंद्रावन के नाम से एक आश्रम है, और अब उस वक्त घना बाग हुआ करता था और अंग्रेजी फौज पूरी यहां पे छुपी हुई थी। जो वॉच टावर जगह जगह पर बने हुए हैं, कई मिट गए, कई एक दो बाकी हैं, वहां पर जो ऑफिसरान रखे गए थे उनमें से कई एक ने गद्दारी की और अंग्रेजी फौज को इशारा किया कि ये पुश्ता यहां से टूटा हुआ है, अंदर से दाखिल हुआ जा सकता है। अच्छा, चूंकि मई का महीना था और पानी की तोगयानी कम थी, पानी कम था, अंग्रेजी फौज अंदर दाखिल हो गई। हजरत टीपू सुल्तान शहीद जो है पीछे वाटर गेट के पास एक शॉल्ट्री में बैठे हुए 3 दिन के भूखे आखिरी लुकमा खा रहे थे। उनको खबर मिली कि अब्दुल गफ्फार शहीद हो गए, जो गाजी बाबा के नाम से मशहूर थे। सैयद अब्दुल गफ्फार जब शहीद हो गए तो अब सुल्तान ने लुकमा छोड़ा हाथ में और उसके बाद कहा कि गाजी बाबा शहीद हो गए, अब हम भी कुछ देर के मेहमान हैं, और चल करके निकले। तो अंग्रेजी फौज का एकदम से अलगाव, एकदम से हमला जो था वो हमला वहां वाटर गेट के पास हुआ, और वहीं पर सुल्तान जब जा रहे थे तो जाने से पहले 2-3 वाकयात हुए जो हमें जानने के। पहला वाकया तो ये हुआ कि उनके वफादारों ने ये दरखास्त किया कि ये हालात, सूरत हाल अभी अच्छी नहीं है, निकल चलते हैं। पहाड़ों के पीछे फतेह मोहम्मद भी 40,000 की फौज के साथ हैं और आपके वफादार बहुत है, अभी निकल चलते हैं और बाद में फिर तैयारी करके आके इस पर कब्जा कर लेंगे। और एक मशवरा यह आया कि अपने आप को अंग्रेजी फौज के हवाले कर दिया जाए। तो वो इसी वक्त उनका तारीखी जुमला था कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। निकल रहे थे कि गद्दारों का टोला जो आया उसमें मीर सादिक भी था, तो जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया कि यह मत समझना कि हम तुम्हारी गद्दारी से वाकिफ नहीं थे, जो तुमने किया है याद रखो, इस मुल्क में आने वाली तुम्हारी नस्लें इस मुल्क में अनाज के एक एक दाने को तरसेंगी। और उनका कहा हुआ जुमला 200 साल के बाद सही साबित हो रहा है। अपनी मर्जी से आप दाना अपने फ्रिज में भी नहीं रख सकते, आप अपने फ्रिज में क्या रखते हैं उनकी मर्जी से रखना। ये चीजें थी और इसी में फ्रांसीसी फौज का भी बड़ा किरदार था। साथ में एक और भी काम हुआ कि जो वफादार फौजी थे, अपनी जगह पे थे, उसमें लिखी हुई तारीख के एतबार से मोहतरम जनाब पुरनैया, उन्होंने ऐलान करवा दिया कि आ जाओ तनख्वाह बट रही है। मस्जिद आला के पास सब लोग तनख्वाह लेने के लिए जमा हो गए। कौली तारीख के एतबार से, जो किसी किताब में तो नहीं मिली या हो सकता हमारी नजर ना पहुंची हो, कौली तारीख के एतबार से जैसा कि हमारे उस्ताद प्रोफेसर करीमुद्दीन साहब बताते थे कि फौज कई दिन से भूखी थी, उनको जो है खाना खिलाया गया। करीमुद्दीन साहब लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि बैल की बिरयानी खिलाई गई, सच है या नहीं है लेकिन खाना तो जरूर खिलाया गया होगा। खाने के बाद से दोपहर के वक्त में वैसे इंसान बोझल हो जाता है। तनख्वाहों के बहाने से जब मस्जिद आला के गेट पर पहुंचे तो पूरा महाज खाली हो गया। पूरा महाज जब खाली हो गया तो फिर अंग्रेजी फौज, एक तो अंदर भी सादे लिबासों के अंदर थे और सिपाहियों में भी मौजूद थे, और बाहर से आने के बाद से किला फतह हो गया। हम लोग वहां जाकर के देखेंगे कि सुल्तान आखिर दम तक लड़ते रहे, आखिर हिचकी ने दी अल्लाहु अकबर की सदा, नजा की हालत में की तूने बातिल से जंग। उनको बचाने के लिए औरतें भी निसार हो गई, जैसा कि कल के लेक्चर में ये बात आई कि जब उनकी लाश को तलाशा जा रहा था तो उनकी लाश को तलाशते वक्त में 4 या 5 औरतें थी जो उनके ऊपर जो है शहीद हो चुकी थी, उनमें से एक ब्राह्मण की लड़की भी थी।
तो मालूम यह हुआ कि अवाम के अंदर जो अकीदत अवाम की थी वो अकीदत इंतहाई दर्जे की थी, लेकिन क्या वजह थी कि सुल्तान ने ऐसे वक्त में अपने वालिद की तरफ से जाना मंजूर नहीं किया कि हम चले जाएं फिर से फौज वापस लेकर के आए। वजह यह थी कि साफ दिख चुका था कि अब जो है आने वाले दिनों के अंदर वफादारी ऐसे नहीं मिलेगी, और वो तय कर चुके थे कि वफादारी की ही जिंदगी गुजारना है, गद्दारी की और गुलामों की जिंदगी नहीं गुजारना है। तो ये मकाम, इसको ऑबलिस्क कहा जाता है। और इस जगह पर अब आप लोग देखेंगे, इधर की तरफ आप हजरात तवज्जो करें या सुकून के साथ आप देखें, यहां पर उन अंग्रेज फौजियों की जो जख्मी हुए, जो मारे गए, यहां पे फोर्सेस इंगेज बिफोर श्रीरंगापट्टनम 4 अप्रैल to 4 मई 1799, 4 अप्रैल से लेकर के मई 1799 तक ब्रिटिश रूप्स जो है ट्रूप्स जो है उनका तस्करा है, बंगाल आर्टिलरी मद्रास बॉम्बे इसी तरह से किल्ड, मारे कितने गए, वाउंडेड कितने हुए, मिसिंग कितने हुए, ये पूरा का पूरा एक एक करके यहाँ पर कुछ तफसीलात यहाँ मौजूद है। इधर की तरफ भी इसी तरह से मौजूद है, द फॉलोइंग यूरोपियन ऑफिसर्स वर किल्ड और डाइड और वाउंडेड बिफोर श्रीरंगापट्टनम 5 to 4 मई, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है नाम है, कैप्टन है, लेफ्टिनेंट जनरल है, कितने खत्म हुए और मारे गए यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर डेडिकेशन है कि दिस मॉन्यूमेंट रिस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मैसूर इन 1907 में इसको बना करके इसको प्रिजर्व किया गया गवर्नमेंट ऑफ मैसूर की तरफ से। तो ये ऑब्लिस्क और मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इस तरह का एक और भी है जो गंजाम के अंदर है, वहां पर है, और ये जो मेन है वहां पर भी बोर्ड पर ऑब्लिस्क लिखा हुआ था, लेकिन यहां से हम दिखाएंगे ये जो खंडहर दिख रहे हैं कुछ इस जगह पे, ये टीले के पीछे, ये सुल्तान शहीद के जमाने में मुस्तशफा यानी हॉस्पिटल था, ये हॉस्पिटल था और यहाँ पर इलाज और मुआलजे के लिए सारे इंतजाम किए जाते थे, तो काफी बड़ा वह इलाका है, और उसके बाजू में एक आर्मरी हाउस भी मौजूद है। अगर नीचे से रास्ता मुनासिब रहा तो एक नजर देखते हुए आगे चलेंगे। जी, अहम चीजों का तारुफ कराने के लिए पीछे हम लोगों का जो पिरामिड टाइप का की एक इमारत दिख रही है, ये असल में आर्मरी हाउस बारूद खाना है। ऐसे श्रीरंगापट्टनम के अंदर तकरीबन 16-17 हैं जो कई दब के खत्म हो गए, कई इस तरह के बचाए हुए हैं। एक रेलवे लाइन के में आ रहा था तो उसे शिफ्ट करके उसके बाजू में ला दिया गया है। और हमारे अपने मुशाहदे के अतबार से शायद शाही साहब हैं बताएंगे कि सबसे बड़ा वाला यही है, और मस्जिद के बाजू का एक है और इससे बड़ा सबसे बड़ा यही है। इस ये तो बंद है इस वक्त, नहीं अगर खुला हो तो देखेंगे। यहाँ से जाने के बाद जीना है, और जीने से उतरने के बाद से फिर नीचे जो है दो ऊपर से रोशनी आती है, और एक कैप्सूल की तरह से नीचे से वो, और कैप्सूल की वजह से है और रोशनी बराबर आने की वजह से, और फिर आप यहाँ से गौर से देखेंगे यहाँ पर रोजन दिखाई देगा छोटा छोटा, आपको इस जगह पर रोजन दिखाई देगा। तो वहां से हवा का जो पोर्शन होना चाहिए वो बराबर आता है, जिसकी वजह से बारूद ठंडा रहने में आसानी होती है, क्योंकि बारूद को गर्म नहीं होना चाहिए। और इस तरह से जो है, और धूप का और पानी का मामला जो है पिरामिड की वजह से, ये एक आर्किटेक्ट है जिसकी वजह से जो है गर्मी और पानी से भी बचाव होता है। तो ये आर्मरी हाउसेज में से एक जगह है। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है वो ये है, जो टीपू सुल्तान ने हॉस्पिटल बनाया था, और ये काफी बड़ा हॉस्पिटल है और तकरीबन 10 एकड़ से ज्यादा की जगह पर फैला हुआ था ये, और इस जगह पर पुरफजा मकाम के अंदर ये हॉस्पिटल बनाया गया था, और जहां लोगों को एडमिट की भी किया जाता था और इलाज मुआलजे के लिए जो है यहाँ पे लाया जाता था। और यहाँ जो नारियल का पेड़ दिख रहा है वहां तक उसकी बाउंड्री उसकी हद है। तो ये हॉस्पिटल मैदान की तरह है, सामने ये इस दरवाजे से घुसने के बाद से मैदान है, और उसके बाद से कमरे उधर हुआ करते थे। तो इससे भी अंदाजा होता है कि शहीद ने पुरसुकून जगह पे, हॉस्पिटल के लिए जगह पुरसुकून होना चाहिए और बड़ी पुरसुकून जगह पर उसका इंतखाब किया था, और उस जगह पर हॉस्पिटल ये बना था। यहाँ पर भी एक घर नुमा उनका एक जगह उनकी थी, 4 महलात थे उनके, 4 महलात तो क्या घर ही कहा जा सकता है। एक जो समर पैलेस है जिसको दरिया दौलत बाग कहते हैं, वहां पर उनका दीवान हुआ करता था, वहां पे मशवरे होते थे, रहाइश कम होती थी मशवरे ज्यादा होते थे, इसीलिए वहां के दीवारों पर तारीखी पेंटिंग्स बहुत हैं। रिहाइश अमन लाल महल जो खंडहर की शक्ल में जाते जाते एक नजारा करते हुए जाएंगे वो, और 2 महलों का तस्करा और मिलता है। एक गुंबद के पीछे की तरफ
जो जो भी इसी तरह के खंडहर की तरह से है, वहां पर फॉरेन के जो मेहमान आते थे, जो डेलीगेट्स आते थे और सफीरान आते थे, वहां कयाम कराया जाता था। और एक इन मकामात पर कहीं पर था वो, तो ये चार उनके थे, उसमें से ये हॉस्पिटल की जगह है। हम अभी श्रीरंगपट्टनम के अंदर अरब साहब के सामने एक मस्जिद है, मस्जिद बाखर में है, और यह मस्जिद सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद आला से पुरानी है, कदीम है, हाँ उससे पहले की। यहाँ के दरो दीवार देखिए, यहाँ के पिलर्स देखिए, ये मस्जिद हजरत हैदर अली के जमाने में बनाई गई और यहाँ पांचों वक्त की नमाजें होती थी, और इसे मस्जिद बाकर से याद किया जाता है, और बाज़ लोग मस्जिद बुखारी भी कहते हैं इसे। और यहाँ उस जमाने जब तक नमाज वगैरह हुआ करती थी, और अभी इस वक्त यहाँ मस्जिद में नमाज नहीं होती, यहाँ मकतब चलता है, यहाँ के हमारे हाफिज मतीन साहब यहाँ मकतब पढ़ाते हैं, और यही सामने ही मस्जिद है, मस्जिद इमाम अरब साहब वहाँ खिदमत देते हैं या मस्जिद या बच्चों को पढ़ाते हैं, तब से यहाँ तालीम वगैरह जारी है। इससे पहले यहाँ एक उर्दू स्कूल चला करती थी, और किसी वजह से यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो गई, यहाँ बहुत सारे मुसलमान के बच्चे भी आकर पढ़ते थे उर्दू स्कूल में, और उर्दू स्कूल यहाँ इस वक्त मौकूफ है और अभी तालीम जारी है। और यहाँ मस्जिद के सदर सेक्रेटरी की तमन्ना है, यहाँ औरतों के लिए कुछ खोला जाए तालीम निस्वान के नाम से, उसकी कोशिश जारी है, इंशाल्लाह वो काम भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू होगा। और इसके बगल में और एक मस्जिद है, वो भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की है, लेकिन कागजात ना होने की वजह से वो वीरान पड़ी है, गैर आबाद है। ये जो पिलर है, ये जो सागवान के पुराने पिलर्स हैं, असल ये भी एक मस्जिद के पिलर्स हैं, जो रेलवे स्टेशन के पास एक मस्जिद थी जो अभी भी है, उसके मीनार गुंबद मेहराब वगैरह सही सालिम है। यह आज से 20 साल पहले मस्जिद के नए काम के लिए ये तमाम चीजें निकाले गए थे, लेकिन गैर कानूनी तौर पर काम शुरू हुआ, इसलिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ दखलंदाजी हुई और चीजें यहाँ मुंतकिल हुई। आप हजरात जानते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सल्तनत में 50 मस्जिदें, तो उन 50 मस्जिदों का डेटा हजरत के पास रहा करता था, उसके बारे में सवालात भी करते थे, और उसका और हर मस्जिद में मकतब चलता था, उसी वक्त से के दौर से निजाम था। तो एक बार उन्होंने अपने दीवान में सादिक से सवाल किया, तो उन्होंने मस्जिद की तादाद एक बढ़ा के बता दिया। बाद में उनके हाशिया वरदारों ने कहा कि भाई इतनी मस्जिदें नहीं है। सुल्तान ने कहा कि मैं 2 रोज के बाद मस्जिदों के इंतजाम को देखने के लिए मैं निकलूंगा। अब उन्होंने कह तो दिया था, और उस जल्दबाजी में उन्होंने मस्जिद की तामीर शुरू किया, जो मस्जिद अहमदी के नाम से भी है, लेकिन चूंकि उस मस्जिद को देख करके और मौर्रखीन की तारीख पढ़ करके ये पता चलता है कि वो मस्जिद जो है वो इबादत की नीयत से नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने की नीयत से बनाई गई थी, इसलिए उसके बाद से ही वो आबाद नहीं रही, लेकिन शुरू के दौर में नमाज रही। बल्कि 2005 तक हमको याद है कि वहां हमारे दारुल उमूर में 5th बैच था, तो उस वक्त तक मस्जिद बिल्कुल साफ सुथरी थी, सिर्फ छत एक जगह से छोटी सी टूटी हुई थी, मेंबर भी बिल्कुल साफ सुथरा था, कहीं तस्वीर भी होंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब धीरे धीरे चीजें मशहूर हुई, तो नौजवान कमेटी ने 2006 या 2007 में इरादा किया कि उसको आबाद करेंगे। उनका जज्बा बहुत अच्छा था, वो आबाद करना चाहते थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में चीजें थी, और काम शुरू करने के लिए उन्होंने खुदाई भी कर दिया था, और ये सारे पिलर्स जो हैं उसी मस्जिद के हैं। और बाद में बैन लग गया, रुकावट लग गई, तो वो काम तो नहीं हो सका, अलबत्ता उन पिलर्स को यहाँ पर महफूज किया गया। और अभी हमारे भाई मतीन बता रहे थे, एक और मस्जिद जो है वो टीपू सुल्तान के महल से जुड़ी हुई मस्जिद फातिमा, जिसको मस्जिद निस्वा भी कहा जाता था, उसका जो मेन डोर है, जो एंट्रेंस डोर है मस्जिद का, इसी की लकड़ी से बनाया गया है। ये उसी जमाने की लकड़ी है जो अभी रखी गई है, कहीं ना कहीं मुनासिब जगह इस्तेमाल की जाएगी इंशाल्लाह। हाँ 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 हाँ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم آ شہیدان محبت را امام، شہید محبت حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے علاقے عبدیار میں کھڑے ہیں. ابو الفتح فتح علی ملقب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شخصیت حاکم وقت سے زیادہ مفکر زمانہ کے طور پر دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں جس قدر اصلاحات کا کام کیا اور جیسے جیسے کانسیپٹس انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، ان کا کام کرنے کا انداز اور ہر ڈپارٹمنٹ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک آئیڈیل ہے. یہ جو علاقہ سلطنت خداداد کہا جاتا تھا اور مشہور علاقہ، اس کا ایک حصہ یہ گنجیام ہے اور یہاں سے تھوڑی دوری پر ان کا مزار بھی ہے. یہاں پر کھڑے ہو کر جب سوچا جائے اور غور کیا جائے، کیونکہ ایک شخص جس کو صرف 51 یا 52 سال کی عمر ملی، 16 سال کی عمر سے لے کر کے شہید ہونے تک وہ گھوڑوں کی پیٹ پر دوڑتا رہا، 17 سالہ دور حکومت کاٹو بھرا تاج ثابت ہوا، اندرون سے لے کر کے بیرون تک بغاوتوں کا سلسلہ جاری رہا، جسے ایک رات کی نیند بھی سکون سے میسر نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی اگر ان کے کارناموں کو دیکھا جائے تو ان کے کارناموں کو جانچنے کے لیے بھی اکیڈمیز کی ضرورت پڑے گی. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، مگر نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، آتی جاتی رہتی چیزیں، لیکن جو فکر ہوتی ہے وہ فکر تہذیب بناتی ہے، اور اسی تہذیب اور کلچر کو جاننے اور پہچاننے کا سب سے بڑا جو نام ہے اس زمانے میں، یعنی 1799 کے بعد ایسا نام نہیں ملتا، وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے جو سب سے بڑی فکر کیا تھا، وہ سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ نسلیں پڑھی لکھی ہونا چاہیے، اور تعلیم کے نام پر جو پرداخت تھی وہ تھی یہ کہ دینی بنیادوں پر تعلیم کا آغاز ہو. چنانچہ جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سیر کیا کہ جتنی مساجد تھیں، اور 50 مساجد تھیں جن میں سے چند باقی ہیں اور چند ویران کو بھی آپ نے دیکھا، ہر مسجد کے اندر تعلیم کے لیے شعبہ تھا اور مکاتب قائم تھے تاکہ دینی بنیادوں پر بچوں کی اخلاقیات مضبوط ہوں، اور انہی بچوں کو آگے لے جانے کے لیے جامع الامور یونیورسٹی کا قیام انہوں نے 1784 کے آس پاس قائم کیا تھا. لیکن 1784 کے بعد سے پھر جنگیں ہی جنگیں اور وہ ادارہ پنپ نہیں سکا. یہ دارالعلوم ٹیپو سلطان ریسرچ سینٹر اسی کا ایک نمائندہ ادارہ ہے جس کو جناب ضیاء اللہ شریف صاحب نے قائم کیا تھا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں. وہ فکر زمانہ جتنا بھی تبدیل ہو جائے، حضرت شہید کی وہ فکر اپنی جگہ پر باقی ہے. اس فکر کو دوبارہ ہمیں فوری طور پر، بہت تاخیر ہو گئی، دوبارہ ملک کے ہر کونے میں لے کر کے آنا ہے جہاں پر دین اور دنیا کی کوئی تقسیم ہی نہ ہو، جہاں پہ اقرا سے آغاز ہو اور العلق تک تحقیقات اور آفاق و انفس میں غور کرنے کا چیزیں سکھائی جاتی ہیں. سلطان شہید نے ایک تو یہ بھی کوشش کیا تھا، دوسرے عوامی فلاح و بہبود کے بڑے کام کیے تھے، کیونکہ حسن الاسلام المرء میں بہترین اسلاموں کے میں سب سے بہتر وہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے کام آئے، اور حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے ہیومن ہیلتھ، یا اس کو کہا جائے کہ انسانی صحت مندی کے اوپر بھی بڑا کام کیا تھا. کہ ایک وقت ایسا آیا کہ خزانہ خالی تھا یہاں پہ، اور خزانے میں دولت کی ضرورت تھی، اور سلطان نے جو بھی تمباکو کی جو کھیتیاں ہوتی تھی اس پر بین لگا دیا. تو دیوان نے آ کر کے کہا کہ خزانہ خالی اور اس کے ذریعے بہت پیسہ آ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی عوام کی صحت پیسوں کے اوپر میں نہیں تول سکتا، اور انہوں نے تمباکو اور کھیتی اس طرح کے منشیات کے اوپر انہوں نے بین لگا دیا تھا. تو معلوم ہوا کہ ہیلتھ اور ہائیجین بھی ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا کردار تھا، اور درختوں سے جو محبت ہے یہ بھی ہمارے لیے ہیلتھ اور ہائیجین کی بہت بڑی ایک نشانی ہے. کہ مجرموں کو سزا دینے کا ایک عجیب طریقہ ان کا تھا کہ مجرم کا جرم جتنا بڑا ہوتا اسی مطابق اس کو ایک پیڑ لگانا ہوتا، اس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی، اور وہ جب پھلدار ہوتا تو اس کا جرم معاف ہو جاتا تھا. اس طرح سے لال باغ کے کئی پیڑ ایسے لگائے گئے، اور ان علاقوں کے اندر ہریالی نظر آ رہی ہے. اور ان کا جو تصور تھا، اس تصور کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس علاقے میں یا اس علاقے کے آس پاس یا شہر میسور، اب شہر میسور اور یہ ایک ہی علاقہ ہے، وہاں پہ ہیلتھ اور ہائیجین کے لیے کام کیا جائے. کیونکہ امت مسلمہ کی تین بڑی ایسی خصوصیات ہیں جو اس وقت سب سے کم پائی جا رہی ہیں ہم جیسے لوگوں کے اندر. پہلی خصوصیت ہے، امت مسلمہ یہ بات جانتی ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. دوسری خصوصیت ہے کہ امت مسلمہ لٹانا پسند کرتی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فخریہ کہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس وقت تک ترجیح دیتے ہیں کہ مرتے مر جاتے ہیں مگر بھائی کو پیاس لگی ہوئی اپنے پانی نہیں پیتے.
ये चीज भी अब कम होती चली जा रही है, एक दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा। और तीसरी चीज जो है हेल्थ और हाइजीन के मामले में, जिनका अत्तहुर शत्रुल ईमान, हेल्थ और हाइजीन और पाकी तहारत आधा ईमान करार दिया गया है, उनके यहां से चीजें गायब हो रही है। सुल्तान शहीद ने इन तीनों पे भी काम किया था और इन तीनों कामों को जिंदा करने की सख्त तरीन जरूरत है। हमें खुशी है कि ये जो मजमा है इन तीनों कामों से जुड़ा हुआ है और साथ साथ में आज मस्जिद वन मूवमेंट से जो काम हो रहा है हेल्थ और हाइजीन और तालीम की तरफ के जिम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद है। इस काम को फौरी तौर पर किया जाए, हर्बेरियम बनाया जाए, यानी जहां पर पेड़ पौधों पत्तियों पर रिसर्च हो। टीपू सुल्तान के जमाने में जिन चीजों को उन्होंने यहाँ पर उरूज दिया था खेतीबाड़ी के मामले में, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। तिब्बे नबवी के ऊपर भी जरूरत है, क्योंकि तिब्बे नबवी के पर रिसर्च करके दुनिया दूसरी चीजें ला रही है और तिब्बे नबवी हमारी हिकमत की चीजें, हमारी अपनी अंदर की चीजें हैं, हम तिब्बे नबवी से गाफिल हैं। और तालीम के मामले में जो कुछ भी हो सके जल्द अज जल्द हम लोग किया जाए। तो उम्मीद है कि टीपू सुल्तान के ताल्लुक से ये फिक्र याद रखी जाएगी। आपके सामने यहाँ पर हम दो तीन चीजें डिस्प्ले के लिए हमने लगाया है, जिसमें ये चीज दिखाना कि मजहबी रवादारी और लोगों से रवादारी के मामले में ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वो खतूत हैं जो कन्नड़ जबान में उन्होंने मुख्तलिफ जिम्मेदारान को और मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं को लिखा था। उन्होंने ये माइक्रोफिल्म की शक्ल में लंदन की लाइब्रेरी से जनाब मीर मोइनुद्दीन साहब, बाद में प्रोफेसर बी शेख अली साहब भी जब रिसर्च करने गए थे वो भी उसकी जेरोक्स कॉपी करा करके लेके आए थे। जो मीर मोइनुद्दीन साहब ने रिसर्च की जो चीजें लेकर के आए थे, उन्होंने बाकायदा सनसेट एट श्रीरंगा पटना के नाम से किताब को शाये किया और उसके अंदर वो तमाम तस्वीर भी उन्होंने रख दी जो तस्वीर उनसे मुतालिक थे और उसके पूरे हवाले यहाँ पर इसके अंदर रख दिए। और ये जो मजमूए दिख रहे हैं ये टीपू सुल्तान के खतूत है, तकरीबन 4000 खतूत है, 4-5 जिल्दे हैं, ये 4000 खतूत हैं जो उन्होंने कॉपी करवाए। और उनकी खसूसियात में से खसूसियत ये कि बैक वक्त कई मजमून वो नकल करवाया करते थे। तो भी कुछ चीजें यहाँ पर हैं, एक साहब ईरान के रिसर्च स्कॉलर ने रिसर्च किया था, वापस गए लेकिन उन्होंने अपनी तहरीर भेजा नहीं, वरना वो काफी तफसीलात लेकर के गए थे। आखिरी वक्त में टीपू सुल्तान के बारे में जो सबसे आखिरी किताब आई है, ये किताब आई है टीपू सुल्तान क्रूसेड फॉर चेंज, ये प्रोफेसर बी शेख अली साहब से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने तहरीर करवाया था। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जो डिपार्टमेंट है वो है कर्नाटका गजेटियर डिपार्टमेंट, उस वक्त नीला मंजुनाथ के चीफ एडिटर हुआ करते थे। और हर किताब में आप एक चीज देखेंगे, यहां से सफ़े उखड़े हुए हैं और ये वो सफहात थे जिसके ऊपर जगदीश शेट्टर साहब के और इसी तरह से सदानंद गौड़ा साहब के यहाँ पर प्रीफेस थे टीपू सुल्तान की तारीफ के, जिस वक्त उन्होंने लिखा था उस वक्त हकायक थे, बाद में कुछ नाकबत अंदेशों ने जो मसाइल उठाए जिसकी वजह से उनको कंट्रोवर्सियल बनाया गया पॉलिटिकल, बाद में इसके रिलीज के वक्त में उसको निकाल लिया गया। और इसके अंदर पूरे तस्वीर के साथ ये किताब 500 कापियां छपी थी और ये किताब कापियां ये खत्म हो चुकी हैं। तो जिनके पास है वो महफूज रखें और किसी को न दें, दें तो वापस हासिल कर लें। ऐसे कामों को करने की भी जरूरत है। जनाब ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने यहाँ टूरिस्ट लोगों के लिए शेख अली साहब की तहरीरों में से टीपू सुल्तान नजरियात और कारनामे मुख्तसरन जो है इंग्लिश में, उर्दू में और कन्नड़ा में किताब लिखवाया था और इसको जो है यहाँ पर सेल करने के लिए रखा गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर काम नहीं। और आप हजरात बताएं तो इसको और बड़े पैमाने पर किया जा सकता, अभी हमारे पास 2500 कॉपियां मौजूद हैं। कोई भी चाहे इसको सेल करने के लिए, कहीं ताउन करना चाहे, तो हम लोगों ने इसकी कीमत 20 रुपए रखा है, 10 रुपए हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट हमको देना है, जो बेच रहा है वो 10 रुपए रख ले, 20 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो इसके बारे में इस चीज को फैलाने की जरूरत है, मजीद काम करने की ये जरूरत है कि जो उनके माशरती इस्लाही काम थे, क्योंकि भी मस्जिदों का तस्करा आया तो मस्जिदों का बड़ा किरदार उनके जहन में था। अगर उनको यूनिवर्सिटी बनाना होता तो कई बना लेते, लेकिन मस्जिदों की बुनियादों पर ये काम आपने अगर किया है तो मस्जिदों से बड़ा किरदार अदा हो सकता था उस जमाने में भी, आज भी। बल्कि ये इलाका जिसके बारे में सुबह भी आपके सामने तस्करा आया कि इस इलाके को बाकायदा मुनज्जम तरीके पर बसा करके इसको शतरंज के खानों की तरह से, जब देखेंगे आप तो सीधे सीधे रोड उस जमाने में थे, शतरंज के खानों की तरह से इसे बसाया गया, जिसका हवाला मिल जाएगा। अमरीकी मुआरिख ने जब टीपू सुल्तान के बारे में एक इंग्लिश के अंदर मर्सिया लिखा था, जिसका तस्करा इंशाल्लाह 18 तारीख वाले प्रोग्राम में हम करना चाहेंगे, उसमें भी तस्करा किया है कि ताज्जुब होता है कि ऐसा मुनज्जम सिटी प्लान कैसे उनके जहन में आया।
और यहाँ पर उलमा और बुजुर्गों को भी उन्होंने बुलाया और इसको गंजआम नाम रखा। गंजआम का मतलब होता है कॉमनवेल्थ, आम खजाना। और ये बुजुर्ग और ये उलमा जो है तालीम और तरबियत का काम करते थे और उन्हीं बुनियादों पर आके जाके यहाँ यूनिवर्सिटी 1784 में बनना थी। अब ये शहर मैसूर जो शहर मैसूर के नाम पे फख्र करता है उसके ऊपर ये कर्ज है कि इस यूनिवर्सिटी को कायम करे। अल्लाह ताला जिससे चाहे काम ले लेंगे। जनाब जियाउल्लाह शरीफ साहब इसकी हिम्मत कर रहे हैं, आप उनके सेहत के लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह कायम हुई यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर सेकेंडरी कैंपस बन सकते हैं, आप उसी की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। हम आपका देखिए हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये असल में ये ओरिजिनल जो शक्ल है ये शेर के ऊपर जो धारियां होती हैं, ये शेर की धारियां, ये खास तौर पर टीपू सुल्तान की पहचान थी कि उनकी इमारतें हो या कोई भी तहरीर हो तो उस जगह पर शेर की धारियां उनकी हम हमेशा दिखेंगे। तो ये कनाडा के खतूत हैं जो उन्होंने इमला करवाए हैं, तहरीर करवाए हैं। मुख्तलिफ स्वामियों को भी उन्होंने खत लिखा है और जिम्मेदारान को भी इन्होंने खत लिखा और ये खतूत की कुछ कॉपियां यहाँ पर मौजूद है। ये तो हो गई जिस कनाडा वाली। इसके अलावा फारसी में भी 4000 के करीब खतूत अवेलेबल हैं और यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत जी और ये सब फारसी तहरीर है। इसमें ये जो है ये बात की इंग्लिश में एडिंग है, ये जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदी। अच्छा यहाँ पर ये चीज हम आपको बताना चाहेंगे, ये टीपू सुल्तान का एक खास कैलेंडर था। अच्छा टीपू सुल्तान ने एक नया कैलेंडर बनाया था जिसकी तरतीब जो उन्होंने अमरी एतबार से अलग अंदाज से रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुक्मनामा ब इसमें दारोगा नकदबानी पैमाइश जमीन सरहद इलाका सरकार जेब निगारिश में बायत। हुक्मनामा दारोगा का दे रहे हैं और जो पैमाइश का इंस्पेक्टर उसके नाम ये है, शुमार क्या क्या कराना है ये टीपू सुल्तान ने तहरीर करवाया है। तहरीर करवाया कि हाथ से लिखी हुई कुछ चीज है आप इनमें से कोई है, लेकिन अब नहीं कहा जा सकता उनके हाथ की अपनी तहरीर क्या होगी। हाँ इसमें कहीं पर मिलती है, टीपू सुल्तान के हाथ की तहरीरों में कई नमूने मिलते हैं इस किस्म के। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन नमूनों के बारे में यह है कि टीपू सुल्तान की अपनी खास तहरीर थी, अक्से महफूज ही है। इसमें एक चीज और भी है कि टीपू सुल्तान ने कई जगह पे दस्तखत जो है ये सब देखिए सारे के सारे जो है वो जो कहा जाता है कि अर्थमेटिक्स, वो सारी के सारी चीजें यहाँ पर हैं और कई जगहों पर एक एक नमूने के अंदर उनके सिग्नेचर मौला अली के नाम से है। हाँ मौला अली के नाम से कई जगह पे सिग्नेचर पाई जाती है। ये सब फारसी खतूत है और ऐसी फारसी है कि जो इस जमाने में हम जैसे लोगों पढ़ने में भी नहीं आएगी। ये सब पूरी जमीनों का है, किता यक किता, ये सारा यानी एकड़ के माने में, टुकड़े के माने में। सबके नाम है जी जी। तो शेख अली सर की किताब के कुछ हवाले से आपने तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी, उसको थोड़ा दिखा दें। और ये किताब जहाँ प्रोफेसर बी शेख अली साहब से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जी जी टीपू सुल्तान क्रुसेडर फॉर चेंज के नाम से लिखवाया और कर्नाटका गजेटियर डिपार्टमेंट ने इसको शाय किया था। हाँ और इसको जो है ये किताब जो है 2012 में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्रोफेसर बी शेख अली साहब चीफ एडिटर का भी नाम है और 500 कॉपियां तकरीबन छपवाई गई थी इसकी। और इसमें जो है अलग अलग पार्ट वन डिप्लोमेसी एंड कन्फ्रंटेशन जिसमें तस्वीर भी बेहतरीन अंदाज की रखी गई है, लगाई गई हैं। दीवान पूर्णिया की तस्वीर यहाँ पर, फिर श्रृंगेरी का जो टेंपल है उसका तस्करा, फिर जहां जहां उनके अतियजात होते थे और उसका भी तस्करा है। नंजनगढ़ के खास तौर पर उनके अतियजात थे और यहाँ मेलकोटे पर उसका तस्करा है। फिर रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो श्रीरंगपटना के अंदर है, फिर यहाँ पर अर्ली लाइफ एंड डिसीजंस और
مختلف قسم کے. یہ لاسٹ میں جو ہے پانڈیچیری کا تذکرہ جو جنگ وہاں پر ہوئی تھی, اور جگہ جگہ جہاں پر بھی ان کے فورٹ ہیں, ڈنڈیگل فورٹ کی تصویر ہے, پھر کرشنا گری فورٹ کی تصویر ہے. تو کافی محنت ہوئی اور یہ کتاب ایک بہترین دستاویز ہے, لیکن عام لوگوں تک یہ کتاب نہیں پہنچ سکی. اور پہنچ کیا سکی؟ جب اس کا رسم اجرا ہوا تھا, اخبارات میں اس کے بارے میں آیا تھا. ہم مسلمانوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے, اللہ کرے کہ شوق آ جائے. اتنا بڑا سرمایہ ہے, اب یہ سرمایہ آؤٹ آف پرنٹ ہے. گورنمنٹ آف کرناٹکا کی اجازت کے بغیر کوئی پرنٹ بھی نہیں کر سکتا, لیکن جو ہے ہم اسی کو پریزرو کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں اگر کوئی ہمت کرے اس کو باقاعدہ اس کو اسکین کر کے پی ڈی ایف کی شکل میں بنا دے. خیر وہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں, دوسروں کو الزام کیوں دے. انشاءاللہ کوشش کریں گے, کیونکہ کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی بھی ہیں جو بڑی اچھی ہیں, بڑی اہم ہیں, اور اس کو ہم پی ڈی ایف کی شکل میں لا رہے ہیں. ایک ہمارے پاس وہ جو کچھ پیپرس آپ کو دکھانا چاہیں گے, جو کووڈ کے ٹائم پر اس کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا, ہم اس کو پی ڈی ایف کی شکل میں لا رہے ہیں, اور تقریباً ہم نے 50 اس کی کاپیاں بن 50 اس کی فوٹوز لے لیا ہے. یہ ہے مسلم سائنٹسٹ, مسلم سائنٹسٹوں کا تذکرہ, یہ ثابت بن قریش, علی ابن ربادہ الطبری. دیکھیے اب اس میں کیا ہوا, یہ بالکل, یہ وجہ یہ رہی کہ کووڈ کے ٹائم پہ جو یہ بند رہا تو وہیں پہ یہ ایسڈ بھی رکھا ہوا تھا, چائنا کی ماسک. ہاں چائنا کی ماسک کا تذکرہ. یہ کافی ہے, ہم اس کو ہم نے اس کو پی ڈی ایف کی شکل میں محفوظ کرنا شروع کیا ہے. 50 تو محفوظ کر چکے ہیں.